गाइज आम दुपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल फॉर माई स्कॉलर सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एल आज हम लोग देखेंगे डाइक्स्टाइल गोरिदम टेक्सटाइल गोरदम का यूज किया जाता है ऑर्डर टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोट्स दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन सो देखते हैं कि हम किसी गिवन ग्राफ्ट पर कैसे शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि टेक्सटाइल गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे हम शॉर्टेस्थ निकालेंगे बिटवीन टू नोट्स सो लेट्स गेट स्टार्ट विदीडियो सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने जो हमारा न्यू चैनल है व्लॉग चैनल काइंड ऑफ उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ हमने एक न्यू चैनल लॉन्च किया है द दीपाली अग्रवाल जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाओ उसे सब्सक्राइब करो और अपना प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट उसको सब्सक्राइब करके लाइक like करके वीडियोज़ को शेयर करके जहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ फन वीडियोज़ काइंड ऑफ ब्लॉग वहाँ पर शूट कर रही हूँ और रिव्यूज़ कर रही हूँ फूड रिव्यूज़ तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और जो जो सब्सक्राइब कर दे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना चलो तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर रहे हैं डाइकेस्त्रा एल्गोरिदम के बारे में तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है अब ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम क्या होती है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें कि हमने देखी थी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स बट मैं एक शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बट अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मीनिंग है कि यहाँ पर आपको सिंगल सोर्स गिवन होगा कोई भी एक नोट यहाँ पर जैसे कि ये वाला ग्राफ गिवन है किसी भी एक नोट से किसी भी एक नोट को आप सोर्स कंसीडर कर सकते हैं या फिर आपको मेंशन किया जाएगा कि दिस इज द सोर्स और इस पर्टिकुलर नोट से ही या फिर इस पर्टिकुलर सोर्स से आपको बाकी नोड्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है मीन्स कि अगर हमें बोला गया कि नोड ए इज़ द सोर्स नोड तो मुझे ए से बी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ए से सी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ए से डी के लिए एंड ए से ई e के लिए भी शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो ये होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्कोरिदम तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं डाइकेस्ट्रा अल्कोरिदम का तो सबसे पहले मैं आपको ना एग्जाम्पल को इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ एंड देन हम लोग इसका जो एल्गोरिदम है उसको देखेंगे फिर आपको वो चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगी कि एल्गोरिदम एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है तो देखो क्या कहता है यहाँ पर हम लोग एल्गोरिदम में एक एक फंक्शन का यूज़ करते हैं इनिशलाइज सिंगल सोर्स इनिशलाइज सिंगल सोर्स ये फंक्शन क्या करता है जो भी आपने सोर्स कंसीडर किया है उसके वेट को कर देता है जीरो और बाकी सब वर्टेक्स के वेट को ये कर देता है इन्फिनी इन्फिनी मीन्स कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ये ऐसे करता है इनिशलाइज सिंगल सोर्स फंक्शन पर्पस क्या है इसका कि अगर आप देखो इस ग्राफ को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ए इज़ द सोर्स नोड एंड आपको बाकी सभी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है सोर्स नोड ए से ठीक है एंड वो अभी कंसिडर करके चल रहा है कि नोड ए से बाकी सभी नोड्स के लिए बाकी सभी वर्टिक्स के लिए इन्फिनी डिस्टेंस है बट जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हम लोग अभी फाइंड आउट करने वाले हैं ठीक है तो इनिशलाई सिंगल सोर्स फंक्शन के यूज करने का पर्पज़ होता है ये रिलैक्स फंक्शन का भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिलैक्स फंक्शन कैसे वर्क करता है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इस तो यहाँ तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि अच्छा खासा लेंदी है तो आप जाके एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखो क्या होगा सबसे पहले एक हमने लिया है सिंगल सोर्स तो यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग टेबल बना लेते हैं तो देखो यहाँ पर ए क्या है सोर्स है और बाकी सब के लिए डिस्टेंस कितनी है इंफिनिटी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस okay. एक फंक्शन और इस एल्गोरिदम में यूज होगा दैट इज एक्सट्रैक्ट मिन क्यू एक्स्ट्रैक्ट मेन क्यू फंक्शन क्या करता है यहाँ पर हम लोग एक क्यू लेके चलेंगे जिसमें हमारे पास ये सारे के सारे वर्ड टेक्स रहेंगे जब तक कि क्यू एम नहीं हो जाती है तब तक ये हमारा सारा प्रोसेस पूरी पूरी एल्गोरिदम वर्क करेगी तो एक्स्ट्रैक्ट मेन क्यू फंक्शन क्या करता है अगर आपके पास L, जो भी क्यू है उसमें से जो भी मिनिमम जिसकी डिस्टेंस है उसको एक्स्टार्ट करके आपको देगा ठीक है इसका पर्पज़ ये है देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा हमने नोड ए से स्टार्ट किया मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ए से हमने स्टार्ट किया तो हम क्या करेंगे ए के जो भी एडजेसेंट नोट्स हैं कौन कौन से हैं इसके एडजेसेंट नोट्स बी एंड सी ठीक है तो इन दोनों नोट्स पर हम लोग लगाएंगे रिलैक्स फंक्शन को ए बी पर हम लोग पहले इस H H, A, लगाएंगे इस एच पर रिलैक्स फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद एच ए सी पर रिलैक्स फंक्शन लगाएंगे रिलैक्स फंक्शन लगाने पे क्या होगा जीरो प्लस टेन वो इसका नोट बी का वेट बन जाएगा क्या होता था मैं एक बार आपको फिर भी दिखा देती हूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि आपको बिना बताए मैं आगे बढ़ रही हूँ तो देखो ये रिलैक्स फंक्शन था हमारा ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस ऑफ अ नोड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ अदर नोड प्लस द वेट ऑफ दैट एज दैट इज़ कनेक्टिंग दीज टू नोड्स तो उस केस में हमें क्या करना है डी ऑफ वी किसके इक्वल हो जाएगा डी यू प्लस डब्ल्यू यू वी के मतलब देखो यहाँ पे फाइव था इस नोट का वेट इसका एलेवन वेट था और इस एच का वेट था थ्री तो अगर डी वी इस नोट का वेट इन दोनों के सम से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे इस वेट को चेंज कर देंगे और इसके सम के इक्वल कर देंगे तो फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा एट तो हमारे पास फाइनल आफ्टर रिलैक्सेशन ये वाली चीज़ आई थी ये वाली एज हमारे पास फाइनल निकल कर आई थी तो यही रिलैक्स फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा देखो ए का जो वेट है वो कितना है जीरो और इस एज का वेट कितना है टेन तो जीरो प्लस टेन इज टेन एंड टेन इज लेस देन इन्फिनिटी ऑब्वियसली तो क्या होगा ये इन्फिनिटी के बजाय इस बी के लिए जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नोट बी के लिए जो डिस्टेंस है या फिर आप कह सकते हैं वेट है या फिर कॉस्ट है वो कितनी हो गई है टेन हो गई है ऐसे ही अब हम रिलैक्स फंक्शन को अप्लाई करेंगे इस वाली ए सी एच एज पर तो जीरो प्लस थ्री दैट इज थ्री इज लेस देन इन्फिनिटी तो नोट सी के लिए जो वेट है वो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो ये जो हमने दोनों रिलैक्स फंक्शंस लगाए हैं वो किस पर लगाए हैं एडजस्ट एंड नोट्स ऑफ ए पर तो आपके पास देखो फाइनल जो डिस्टेंस आई हैं अब वो कितनी आई है ए के लिए जीरो था बी के लिए कितनी हो गई है टेन सी के लिए हो गई है थ्री और डी और ई एज इट इज रहेंगे अभी अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अब क्यू में हमारे पास ये फाइव आइटम्स हैं अब इनमें से मिनिमम क्या है देखो ये तो प्रोसेस हो चुका है इट ऑलरेडी हैज़ बीन प्रोसेस ठीक है अब हम देखेंगे मिनिमम नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है सी है तो अब हम इसको प्रोसेस करेंगे ठीक है ये यानी कि आपके जो क्यू हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें से ये स्टार्ट कर लिया गया है क्योंकि दिस इज द मिनिमम वेट तो यानी कि दिस वाली जो हमारे पास है ए टू सी इसके लिए हमारे पास इस वाले यानी कि ए से सी तक के लिए हमारे पास मिनिमम वेट आ चुका है दैट इज थ्री नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे अब नोट सी पे हम लोग पहुंच चुके हैं अब सी के एड नोट्स को देखेंगे और उनको रिलैक्स करेंगे रिलैक्स फंक्शन यानी कि उन पर लगाएंगे तो देखो इनकी एडजस एंड नोट कौन कौन से हैं सी टू ई है एक तो एडजेस एंड नोट और डी है एडज एंड नोट एंड बी है तो इसको रिलैक्स करते हैं देखो तो सबसे पहले सी टू ई e, इस एच पर हम रिलैक्सेशन फंक्शन लगाते हैं तो देखो क्या होगा थ्री प्लस टू इज फाइव फाइव इज लेस देन इन्फिनिटी तो इसका वेट कितना हो जाएगा नोट ई e का फाइव इस वाली डी पर लगाते हैं सी डी एच पर तो थ्री प्लस एट एज एलेवन एलेवन इज लेस देन इन्फिनिटी तो इसका वेट कितना हो जाएगा एलेवन इस वाली सी टू बी एच पर लगाते हैं फोर प्लस थ्री एज सेवन सेवन इज़ लेस देन टेन अब देखो नोट बी का जो अपडेटेड वेट है वो कितना है टेन है तो अब हम जो कंपैरिजन करेंगे वो टेन से करेंगे तो फोर प्लस थ्री एज सेवन सेवन इज लेस देन टेन तो इसका वेट कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग रिलैक्स फंक्शन तो हमारे पास देखो फाइनल क्या आए हैं ये जीरो था ये थ्री था ये तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड थे तो बी के लिए हमारे पास फाइनल कितना आया है सेवन डी के लिए आया है इलेवन और ई e के लिए कितना आया है फाइव आया है तो यहां से देखिए अब ये जो क्यू है इसमें मिनिमम वेट किसका है या फाइव का है तो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइव क्यों लिया मैंने थ्री क्यों नहीं लिया क्योंकि थ्री ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है ठीक है जो नोट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं या फिर आप कह सकते हो ये नोड ए सी को ऑलरेडी क्यू में से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है ठीक है इसलिए मैंने उसको इस तरीके से मार्क कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये दोनों जो नोड्स हैं ये क्यू में से एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं अब हमने नेक्स्ट कौन सा नोड एक्सट्रैक्ट किया है फाइव फाइव क्यों किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट मिन क्यू फंक्शन कि क्यू में से जिसका भी मिनिमम वेट है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है नेक्स्ट तो यानी कि हमारे पास फाइनल वेट किसका आ गया है ये वाली बार सी ए से ई e तक के लिए पहुंचने के लिए हमारे पास मिनिमम वेट आ गया दैट इज़ फाइव तो फाइव कैसे आया है हमें अप्लाई करना है ए टू सी एंड सी टू ई ये वाला एच को अप्लाई करना ये वाली पाथ का हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ए टू ई e पहुंचने के लिए मिनिमम वेट आएगा जबकि आप देखो तो आप ई e पर और भी तरीके से पहुंच सकते थे जैसे कि ए टू सी टू डी टू एंड देन ई ए टू बी बी टू डी एंड देन डी टू ई बट जो मिनिमम आपके पास वेट आएगा वो आप चेक कर लेना खुद से वो फाइव आएगा ठीक है किसी भी रास्ते से पहुंच जाओ आगे एडिए फाइनल जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो आएगा ए टू सी एंड देन सी टू ई नेक्स्ट आप देखो इसमें से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है फाइव यानी कि e, ई तो अब हम ई e के जितने भी एडजस्टेड नोट्स हैं उनको रिलैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे तो देखो ई e के जो एडजस्टेड नोट्स हैं वो कौन से हैं डी है तो देखिए नाइन प्लस फाइव इज फोर्टीन दैट इज ग्रेटर देन इलेवन डी का जो अपडेटेड वेट है वो कितना 11 है इलेवन है बट नाइन प्लस फाइव कितना आ रहा है फोर्टीन आ रहा है जो कि इलेवन से ज्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पर रिलैक्स फंक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे वो फेल हो जाएगा कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा तो बी का वेट सेवन रहेगा ये थ्री था एक्सट्रैक्ट हो चुका था ये भी इलेवन रहेगा और सॉरी ये भी फाइव रहेगा तो अब देखो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रट किया जाएगा इस क्यू में से वो कौन सा किया जाएगा हमारे पास सेवन और इलेवन ये दो वेट्स हैं बी और सी के बी और डी के लिए तो मिनिमम किसका है सेवन है तो हम इस वाली नोट को ये वाली या ये वाली जो वेट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी क्यू तो ये हमारे पास कहाँ से आया है ये है इसके थ्रू है इस एच के थ्रू यानी कि ए टू बी पहुँचने के लिए आपके पास मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आया है ए टू सी एंड देन सी टू बी थ्री इसका वेट था फोर इसका वेट था तो सेवन हमारे पास आया है इसको अपला इसको हमने एक्स्ट्रैक्ट कर लिया अब हम इसके जो एडजस्टेड नोट्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे तो देखो क्या होगा इसके एडजस्टेड नोट्स कौन से हैं एक तो सी है और एक डी है तो सी तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है तो आपको इसको नहीं छूना है हम देखते हैं डी को तो सेवन प्लस टू इज नाइन एंड नाइन इज लेस देन इलेवन तो ये प्रोसेस ये जो है अब आपका आफ्टर प्लाइंग रिलैक्स फंक्शन कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा d की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन हो जाएगी ठीक है और ये नाइन हमारे पास अब जो नेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कौन सा होगा मिनिमम हमारे पास नाइन ही है तो नाइन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये किसके थ्रू आया है इस वाली एच के थ्रू आया है तो यानी कि ए टू डी पहुँचने के लिए आपके पास मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ए टू सी टू बी टू डी उसका बेटो कितना आ रहा है थ्री प्लस फोर प्लस टू चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन आ रहा है तो देख सकते हो आप कि आपने यहाँ पर फाइनल हो गया ये It's done. क्या हुआ देखो यहाँ पर आपने इस वाली एल्गोरिदम को अप्लाई करके को करके सिंगल सोर्स ए से नोड बी डी सी एंड ई के लिए शॉर्टेस्ट पाथ्स को फाइंड आउट किया है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये चीज क्या हुआ है आ, कलर चेंज कर लें जरा भाई ए से सबसे पहले बी के लिए निकालते हैं तो बी के लिए देखो हमारे पास कौन सा आया सेवन आया मिनिमम है ना और सेवन कहाँ से पहुंचेंगे पहले हम ए टू सी जाएंगे एंड देन सी टू बी जाएंगे तो हमारे पास सेवन वेट आएगा ए टू सी के लिए मिनिमम वेट कौन सा है दस वन ए टू के लिए ए टू सी जाएंगे एंड देन सी टू ई जाएंगे एंड नो डी के लिए ए टू सी एंड देन सी टू बी एंड देन बी टू डी तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ आए हैं ए से स्टार्ट करके बाकी सब नोट्स के लिए सो so भाई देखो ये है डायकेस्ट्रल एल्गोरिथम तो अगर हो सकता है कि आपको राइटिंग समझ में इसमें नहीं आए और ये जो मेरे नोट्स हैं ना ये मेरे बने हुए हैं जब मैं आई में पढ़ाती थी, थी तब के बने हुए नोट्स हैं मेरे तो डोंट माइंड अगर आपको ये समझ में राइटिंग नहीं आ रही है तो बट थोड़ा सा फीलिंग को समझने की कोशिश करना ठीक है और जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया है उससे को करने की कोशिश करना तो देखो भाई क्या कहता है जी डब्ल्यू एस तीन हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं जी है इसमें क्या ग्राफ है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं डब्ल्यू इज द वेट्स एंड एस इज़ दोर्स ये हमें रिक्वायर्ड है इनिशलाइज सिंगल सोर्स ये मैंने आपको बताया था ग्राफ पर एक सोर्स हम लेंगे इनिशलाइज सिंगल सोर्स इसके बाद इनिशलाइ सिंगल सोर्स से क्या होगा एस जो है यानी कि जो सोर्स नोट है उसका वेट हो जाएगा जीरो बाकी सबका इन्फिनेटी हो जाएगा इसके बाद हमने क्या किया है अभी एस में हमने क्या लिया है जस्ट फाइव लेके चल रहे हैं एम टी लेके चल रहे हैं सोर्स को कि सोर्स में अभी कोई भी नोट नहीं है उसके बाद क्यू में हमने जो भी वर्टेक्स थे किसी भी ग्राफ के जितने भी वर्टेक्स थे उनको यहाँ पर हमने ऐड करवा दिया है क्यू में तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यार हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो सबसे पहले हम लोग वाइट टेबल बना के चल रहे हैं ये आपकी क्यू है एक क्यू आप मान लीजिए तो क्यू में पहले सारे के सारे नोट्स को हमने ऐड करवा दिया है तो देखो तो फर्स्ट लाइन क्या थी इनिशलाइज सिंगल सोर्स तो सिंगल सोर्स होते ही क्या होगा सब कुछ मान लीजिए इन्फिनिटी हो गया है और ए को हम सिंग वो सोर्स मान के चल रहे हैं तो उसको हमने वेट कितना रहेगा जीरो रहेगा उसके बाद एस में अभी हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है एस में अभी जस्ट क्या है इन्फिनी है और कुछ नहीं है उसके बाद Q में हमने सारी सारी जो वर्टेक्स टेक्स ऐड करवा दिया वाइल Q इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्फिनी फाइव तो क्या करेंगे देखो U में एक्सट्रैक्ट मिन Q तो अभी क्या है देखो ये सब ज़ीरो था और ये सब इन्फिनी था तो U में एक्सट्रैक्ट मिन Q तो extract मिन इनमें से देखो मिनिमम वेट किसका है A का है तो S में हमारे पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा सबसे पहले तो नोड A आ जाएगा उसके बाद फॉर ईच वर्टिक्स v एडजस्टेंट ऑफ u तो u हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो u में क्या है A है हमारे पास तो A के एडजस्टेंट देखिए कौन कौन है B है C है तो देखो B और C अब उसने क्या कहा है रिलैक्स फंक्शन लगाना है हमें इन दोनों पर ही, क्योंकि फॉर ईच लिखा है ना तो देखो सबसे पहले हम ए बी एच पर लगाते हैं रिलैक्स फंक्शन तो क्या होगा जीरो प्लस थ्री इज थ्री थ्री इज लेस देन इन्फिनिटी तो यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा ऐसे ही ए टू सी एच पर हम रिलैक्स फंक्शन लगाएंगे तो जीरो प्लस सेवन इज सेवन दैट इज लेस देन इन्फिनिटी तो ये कितना हो जाएगा सेवन हो जाएगा तो हमारे पास क्या है देखो फर्स्ट रिलैक्स फंक्शन लगाने के बाद बी की वैल्यू हो गई है थ्री सी की वैल्यू हो गई है सेवन और डी अभी भी इन्फिनिटी है फिर से जाएगा ठीक है यहाँ पर लाइन नंबर फाइव पे जाएगा टू यू में एक्सट्रैक्ट मेन क्यू तो अब देखो ये तो एक्सट्रैक्ट हो चुका था नेक्स्ट कौन सा एक्सट्रैक्ट होगा बी एक्सट्रैक्ट होगा तो एस में हमारे पास यू में हमारे पास क्या आया है सबसे पहले तो बी आया है तो एस इक्वल टू एस यू तो हमारे पास एस में क्या आ चुका है बी ये दोनों के दोनों आ चुके हैं इस सेट में ठीक है क्योंकि ये दोनों ही एक्सट्रैक्ट किए जा चुके हैं उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर ईच वर्टेक्स वी एडजस्टेंट ऑफ यू यू क्या है बी है तो नोट बी के एडजस्टमेंट देखिए कौन कौन है डी है एंड सी है तो इन दोनों पर ही हम हम रिलैक्स फंक्शन लगाएंगे तो सबसे पहले बी टू डी पर लगाएंगे थ्री प्लस टू इज फाइव इज लेस देन इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा फाइव थ्री प्लस फाइव इज एट बट एट इज ग्रेटर देन सेवन तो इस पर रिलैक्स फंक्शन नहीं लगेगा बी टू सी एच पर बस डी पर लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू कितनी रहेगी सेवन ही रहेगी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव हो जाएगी फिर से जाएगा यहाँ पे लाइन नंबर फाइव पर यू में एक्सट्रैक्ट मिन क्यू तो एक्सट्रैक्ट मिन क्यू आपके पास आया तो एक्सट्रैक्ट कौन सा होगा मिनिमम कौन सा फाइव है? है तो यू में हमारे पास क्या आ चुका है डी आ चुका है और एस हमारे पास अब क्या आ चुका A, B and D हो चुका है ए बी एंड डी हो चुका है ठीक है अब आप क्या करेंगे फॉर ईच वर्टेक्स वी एडजेसेंट ऑफ यू यू क्या है नोट no, डी है तो डी के एडजेसेंट देखो कौन है सी है एंड ए है तो ए तो एक्सट्रैक्ट हो चुका है तो ए पर तो हमें फिर से रिलैक्स फंक्शन को नहीं लगाना है अब हम क्या करेंगे इस पर लगाएंगे सी पर तो फाइव प्लस वन एज सिक्स सिक्स इज लेस देन सेवन तो ये हो जाएगा आपके पास सिक्स हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास जीरो थ्री और ये हो जाएगा सिक्स ये हो गया फाइव नेक्स्ट फिर से जाएगा अभी क्योंकि वाई लूप फिर से क्यू इज नॉट फाइव क्यू अभी एम टी नहीं हुआ है तो इसलिए फिर से डू को अप्लाई करेगा यू में एक्सट्रैक्टमेंट क्यू तो अब यू में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा और एस में क्या जाएगा? A, B, आ जाएगा ए बी डी एंड सी आ जाएगा तो ये हो गया हमारे पास जीरो थ्री एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा फाइव ठीक है ये भी यानी कि हमारा यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुका था सॉरी ये वाई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है ये यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो चुका था ठीक है अब हम यहाँ पर जाएंगे वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू फाइव बट अब क्यू फाइव हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नोट नहीं बचा है तो देखो हमारे पास फाइनल पाथ क्या है ए टू बी जाने के लिए हमारे पास वेट कितना है थ्री तो दिस इज द पाथ शॉर्टेस्ट पाथ फॉर गोइंग फ्रॉम ए टू बी सी की बात करते हैं तो देखो हमारे पास सी सिक्स आया है वेट इसका तो कैसे पहुंचे हम सी पर इस पर हम पहुंचेंगे ए टू बी जाएंगे बी टू डी जाएंगी एंड देन डी टू सी जाएंगे तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा इसका थ्री प्लस टू वन सिक्स आ जाएगा सिक्स आ रहा है सी के देखते हैं इसका सॉरी सी तो हो गया डी की बात करते हैं डी पे पहुंचने के लिए पास मिनिमम वेट कितना है फाइव तो पहले हम जाएंगे ए टू बी एंड देन बी टू सी बी टू डी सॉरी तो ये हमारे पास ए टू डी पहुंचने के लिए मिनिमम वेट कितना हो गया तो देखो A से बी जाने के लिए मिनिमम वेट कितना आया है थ्री ए टू डी जाने के लिए मिनिमम वेट आया है फाइव एंड ए टू सी जाने के लिए मिनिमम वेट कितना आया है सिक्स आया है हमारे पास ठीक है आई गेस आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे डाइकेस्ट्रा एल्कोरिदम वर्क कर रही है अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फ्रॉयड वॉर्शल एल्कोरिदम को कैसे अप्लाई करना है तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको एक देती हूँ और आप मुझे उसका आंसर बताना कॉमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मिलेगा एक शार्ट आउट ओके सो दिस इज द ग्राफ जिसके लिए आपको मुझे बताना है जिसपे आपको अप्लाई करनी है डाकेस्ट्रा सोर्स आप कंसीडर करेंगे नोट जीरो को और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर इस तरीके से बताएंगे कि जीरो से वन जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आई है शॉर्टेस्ट पाथ का वेट कितना आया है ज़ीरो से टू के लिए क्या शॉर्टेस्ट पाथ आया है ज़ीरो से थ्री के लिए क्या शॉर्टेस्ट पाथ आया है एंड जीरो से फोर के लिए क्या शॉर्टेस्ट पाथ आया है तो देखते हैं कि किसका आंसर करेक्ट होगा सो आई होप गाइज दिस वीडियो इज गोइंग यू हेल्प यू अट्ठ मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आपको देने की बट अगर आपको तभी कोई दिक्कत है तो ये नासम इन कॉमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट अल्कॉरिदम दट इज़ बेलमैंड फोर्ड अल्कॉरिदम सो स्टेन थैंक यू गुड लाक